वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने करना है कैरो फाइटा कैरो अब ये जो नेम दिया गया है फ़ाइटा तो आपको पता है प्लांट्स को कहते हैं कैरोमीन कारा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरा है उसकी बेस पे से कैरो फाइटा कहते हैं और इससे पहले रखा गया था क्लोरोफाइटा फाइटा ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स जो उसके पिगमेंट्स हैं इसके मिलते जुलते सेम पिगमेंट्स होने की वजह से लेकिन बाद में कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो उन प्लांट्स से डिफरेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ डैट इसको फिर एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया जिसे कैरोफाइटा कहते हैं इनको ना एक और नेम देते हैं दिस आल्सो कॉल्ड आर्थरो आर्थ्रोफाइट्स बेसिकली वैसे ट्री ट्रीडोफाइट्स हैं ठीक है हायर प्लांट्स हैं लेकिन क्योंकि इनके अंदर भी आप कारा देखोगे तो कारा के अंदर ये आपको जॉइंट्स नजर आएंगे ये मैंने ड्रॉ किया ये देखें यहाँ पे जॉइंट्स हैं आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और फाइट्स तो में प्लांट्स तो इनमें जॉइंट्स हैं जिस तरह आर्थरो होते हैं ना एनिमल्स तो उनमें जॉइंट्स होते हैं आप तो हैं भी जोलॉजी के स्टूडेंट्स आपको पता है ठीक है तो इनमें भी जॉइंट्स होते हैं अब जॉइंट्स को हम जो जॉइंट्स के पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नोड्स क्या कहते हैं नोड्स और इनके दरमियान जो ये लॉन्ग आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं इंटर नोट्स अब कारा में नोड्स आर पॉइंट्स या प्लांट्स में नोड्स हमेशा वो पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइज या ब्रांचेस अराइज होती हैं ठीक है अब कारा के अंदर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस पाई जाती हैं एक ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ठीक है इनको हम लीव्स भी कहते हैं ये आप देख रहे हो ये ब्रांच ये यहाँ तक ग्रो किया है उसके बाद रुक गई है ये वाली ब्रांच यहाँ तक ग्रो की है रुक गई है लेकिन कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो यहाँ पे अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करती बल्कि वो इससे आगे को ग्रो करके आगे फर्दर ब्रांचेस बनाती हैं जैसे ये वाली ब्रांच हो गई या ये ब्रांच निकल रही है ये भी अराइज नोट से होती हैं बट दे फर्दर इोंगेट तो ऐसी ब्रांचेस को हम कहते हैं लॉन्ग ब्रांचिज या एक्जिलरी ब्रांचेस बात समझ आई है देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज इन कारा एक इसकी लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज है जिसको हम लीव्स भी अक्सर कहते हैं और दूसरी इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ या लॉन्ग ब्रांचेज है जिनको हम एक्सिलरी ब्रांचेज भी कहते हैं अच्छा अब ये सारी जो ऊपर ब्रांचिंग सिस्टम आपको एरियल नज़र आ रहा है अंडरग्राउंड इसके क्या होते हैं राइस होते हैं काफ़ी सारे जो तो इसकी मेन एक्सिस के लोअर पार्ट से राइज हो रहे होते हैं दिस इज द मेन एक्सिस मेन एक्सिस जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है लेकिन ज़्यादातर ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर तक इसकी ग्रोथ होती है ठीक है ये जो मेन एक्सिस है इसकी मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर लेकिन जो इससे एक्सिलरी ब्रांचेज निकलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है अच्छा अब जब हम इसके नोड को देखते हैं तो ईच नोड पे हमें नज़र आता है कि हम उसका क्या लेंगे क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन आप समझते तो मैंने इसको यहाँ से कट किया तो मुझे एक राउंड नजर आता है ये इंटरनोड का राउंड सेल है ये इंटरनोड का राउंड सेल इज अ रिंग ऑफ सेल्स ये रिंग ऑफ सेल क्या है कॉर्टेक्स इंटरनोड जो है यहाँ पे भी मैंने एक चेंज शो की हुई है सेल्स की बेसिकली इंटरनोड इज सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स कॉर्टिकल सेल्स एफ स्पीशीज ऑफ कारा जिसमें ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स पे उसे हम कहते हैं कॉर्टिकेटेड कारा या कॉर्टिकेटेड कारा स्पीशीज अच्छा अब कारा जो है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन करता है ये आगे, आगे आप रीड करोगे वेजिटेटिव और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल इसमें नहीं पाई जाती उसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी अब जो इसकी वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमने आगे डिस्कस करनी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स एक होता है न्यूक्यूल जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं और एक होता है ग्लोब्यूल्स राउंड से इसका नाम है तो इसको मेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं ये बनते कहाँ पे हैं ये जो ब्रांचेस हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस के जो नोड्स हैं ना अच्छा अब ये आप देख रहे हो मेन एक्सिस पे भी नोड्स और इंटर नोट हैं इसी तरह जो ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं इसके ऊपर ये मैंने इतना सा पार्ट लिया है ठीक है और उसको यहाँ अलहदा से ड्रॉ किया है तो आप देखो इसपे भी नोट्स और ये दरमियान में क्या है इंटरनोट्स नोट्स और इंटरनोट्स अच्छा अब जो नोट्स हैं नोट्स के साइड्स पे ये ग्रो करते हैं एक ही प्लांट के ऊपर ज्यादातर पाए जाते हैं साथ साथ पड़े होते हैं आ, ये न्यू न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल्स अच्छा अब जो ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इन पे देखा गया है कि देर आर स्मॉल उट ग्रोथ्स आर प्रेजेंट एंड आर मोस्टली इन पेयर स्मॉल क्या कहते हैं lo है, आपकी बुक में ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया वो बताया हुआ है इसका करेक्टर और ये आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कारा जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारा में स्ट्रक्चर ऑफ कारा आपने पढ़ लिया है अच्छा कैरो की जो जनरल करेक्टर्स है वो सारे कारा के ही है क्योंकि इसका जनरा ही कारा है तो वो आप देख लोगे जब इसको कर लोगे कैरो फाइटा भी आपको समझ आ जाएगा कारा को समझने के बाद ठीक है अच्छा अब एक चीज आपने ठीक करनी है कि इसके करेक्टर नंबर फोर में यहाँ प्रो क्रियोटिक लिखा है आपने इसको यू क्रियोटिक कर लेना है बाकी सारा कुछ आपने ऐसे ही करना है